और हालत देखो भाई कैसी होगी एकदम, घास भी काफ़ी लंबी लंबी है होगी, गलत रास्ता पकड़ लिया शायद जंगलों से, गाड़ी ले आता तो बेस्ट रहता। परेशानी देख सकते हो मेरी आप, ये रास्ते देखो, ये कोई ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ी ना, नीचे सड़क है, मैं सड़क को छोड़ के और यहाँ से चल पड़ा भाई। पता नहीं भाई आज तो बुरे फंस गए। ये दिख रहा है, ये है हनुमान की मूर्ति ये ऊपर। तो हम पहुंच गए भाई शिमला, और ये शिमला का पूरा व्यू, पूरा नहीं भाई ये आधा ही व्यू है, आधा तो उस तरफ है। आगे चलते हैं, चलो दिखाते हैं आप लोग। और बाकी ये घाटी देखो भाई कितनी गहरी घाटी है, और पहाड़। अभी अभी हम खड़े हैं भाई शिमला में, और शिमला का इतना प्यारा व्यू है ना मॉर्निंग का, क्या बात है, ज़बरदस्त है भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। और ट्रेन निकल गई, ट्रेन निकल गई यार, टॉय ट्रेन। और मैं यहीं पर उसी का वेट कर रहा था, चलो निकलते हैं भाई अब आगे। शिमला में एंट्री हो चुकी है भाई अपनी, और अभी जा रहे हैं जाकू टेम्पल, जो हनुमान मंदिर है, जो हनुमान मंदिर, जो हनुमान की मूर्ति है ना, जो अपना मॉल रोड से भी दिखाई देती है वो मूर्ति। तो जाकू टेम्पल के लिए जा रहे हैं भाई शिमला, और हल्की हल्की बारिश और धूप तो है ही नहीं, और बारिश भी हो रही है भाई हल्की हल्की, तो देखते कैसा मौसम रहता है। और जो रात का स्टे था ना अपना, अमेजिंग था भाई। बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे नींद आई है, क्योंकि अपना स्टे जो है ना वो गाड़ी में ही रहता है, तो बड़ी मुश्किल से आई भाई 3-4 घंटे की नींद। तो अपना डिस्टेंस दिखा रखा है जो जाकू टेंपल के लिए, वो है भाई 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यानी आधा घंटा। मेन शिमला मार्केट में आ गए फिलहाल हम शिमला, और भीड़ ना मिले, जाम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। शिमला तो शिमला है भाई, ठंड है भाई, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है फिलहाल अभी का जो है टाइम हो चुका 10 का, और टेम्परेचर जो बता रहा है वो 17 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, और अपने को तो जाना -17 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलते हैं भाई धीरे धीरे, फिलहाल तो एक बार जाकू टेम्पल जरूर होके आएंगे भाई, बाबा बजरंगबली के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद चलेंगे। ये क्या चीज़ है भाई, नहीं पता भाई, नहीं पता ये क्या चीज़ है, भोले बाबा है भगत मेरे हिसाब से तो। सामने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है, कौन सा गुरुद्वारा पता नहीं भाई, श्री अच्छा श्री गुरु सिंह सभा के नाम से गुरुद्वारे का भी नाम। कुछ कुछ पंजाबी तो आती है भाई पढ़ने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। अब ये देखो सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही होगी, अब दिखाई देगी, ये दिखाई दी, इस मूर्ति के पास जो ये हनुमान जी की प्रतिमा है, इस प्रतिमा के पास जाके आना भाई, इसको बोलते हैं जाकू टेम्पल। घर से लेके आया था मैं चने के लड्डू, तो एक चने का लड्डू खाया अभी, क्योंकि ना तभी पहले एक बार मंदिर होके आ जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाने का कुछ बनाते हैं भाई, कुछ अच्छा सा देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं बना पाएंगे।
की चढ़ाई स्टार्ट होगी भाई। कितनी भीड़ी सड़क है ये देखो जाकू टेंपल के लिए, और हाइट फुल है भाई, फुल हाइट पे है क्योंकि जाकू टेंपल जो है ना अपना बिल्कुल चोटी पे है भाई पहाड़ की। और गाड़ी की आवाज सुनो भाई, कितना दम लग रहा है गाड़ी की आवाज में। और गाड़ियां पूरा पूरा दम लग रहा है भाई, पूरे से भी ज्यादा। सामने से गाड़ी आती तो पता नहीं लगता भाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। ये देखो अभी एक गाड़ी निकल रही है तो दूसरी गाड़ी को वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है दूसरी गाड़ी को। ये रहा भाई सामने मंदिर। और चलो अभी चलते हैं भाई यहाँ से। हमने गाड़ी पार्क कर दी अपना साइड में रोड के नीचे, और ये रोड शिमला की तरफ और ये जाकू टेंपल की तरफ। तो चल रहे हैं भाई अपना बाबा बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। तो भाई 500 मीटर की जो है अपनी ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग क्या मैंने गाड़ी पीछे लगा दी और अभी चल दिए पैदल पैदल। ठंड तो है भाई हल्की हल्की, पर टी शर्ट में काम चल जाएगा। और बूंद भाई पता नहीं, ड्रोन का बैग लेके आया हूँ साथ में, वीडियो बनेगी या नहीं बनेगी कुछ नहीं बोल सकते। और आगे पता नहीं जाम होता नहीं होता, मैं तो अपना पैदल ही हो गया भाई, अपना पैदल चलते हैं वीडियो बनाते हैं। और यहाँ की खूबसूरती देखो भाई कितनी प्यारी है, एक छोटी सी और प्यारी सी ट्रैकिंग भी है भाई यहाँ पर जाकू टेंपल के लिए, जो कि करीबन करीबन 1 किलोमीटर की है। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेन इनका रास्ता भाई, और ये गाड़ी का रास्ता भी है। मैं गाड़ी नीचे ही खड़ी करके आ गया यार। तो अगर आप लोग भी आओ ना तो भाई गाड़ी ऊपर तक अलाउड है, ये देखो जाने लग रही है गाड़ियाँ, तो गाड़ी आप लोग भी लेके आ सकते हो भाई ऊपर तक, देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। बाकी 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग, अरे यार थक जाऊंगे अब की बार तो कन्फर्म है। चलो भाई जो है अब तो है, जैसे हनुमान जी की मर्जी, वो जैसे बुलाना चाहते हैं वैसे ही जाएंगे भाई। बाकी ऊपर चढ़ने के बाद दिखाता हूँ भाई ये ट्रैक मेरा कैसा है। ये देखो एकदम नीचे से आया हूँ और गाड़ियाँ एक पॉइंट पे नहीं मुड़ रही, आगे पीछे करके मुड़ना पड़ रहा है इनको। तो शायद यहाँ से भी रास्ता होगा, यहाँ से चलते हैं भाई। ये सीन देखो भाई, और भाई गलत रास्ता पकड़ लिया शायद, जंगलों से गाड़ी ले आता तो बेस्ट रहता, पर फिर भी पर ये नज़ारे नहीं मिलते ना भाई जो अभी है फिलहाल। क्या क्या मस्त नज़ारे, और हालत देखो भाई कैसी होगी एकदम, घास भी काफ़ी लंबी लंबी है यहाँ की। हे बाबा बस खुली रास्ता दिखा, कहाँ चढ़ा दिया तुमने। भाई परेशानी देख सकते हो मेरी आप, ये रास्ते देखो, ये कोई ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ी ना, नीचे सड़क है, मैं सड़क को छोड़ के और यहाँ से चल पड़ा भाई। पता नहीं कहाँ निकलेगा अभी ये जाके, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, और ये बाउंड्री भी बनी हुई है, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, समझ से बाहर भाई। और कुछ जंगली जानवर मिल गया फिर तो कल्याण है ये अपना। ओह देखो कुछ उम्मीद तो जग रही है रास्ता मिल जाए तो। सामने भाई ये नज़ारा देखो भाई क्या खतरनाक नज़ारे, ये रहा मंदिर तो यार, पहले उधर था अब इधर आ गया, पता नहीं मिल भी पाएगा, दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये क्या रास्ता तो दे रखा है, पर ये नहीं पता यहाँ जाना अलाउड है या नहीं है। ये देखो रास्ता दे रखा भाई पर समझ नहीं आ रहा, चलो चल के देखते हैं है क्या यहाँ पर।
अच्छा बाउंड्री आ गई, सड़क आ गई नीचे। पता नहीं भाई, आज तो बुरे फंस गए, यहीं से निकल लेते हैं, सड़क सड़क जाएंगे। और मेरे को तो अब ये भी नहीं पता गाड़ी कहाँ खड़ी है, और बारिश भी आ गई ऊपर से। वाह भाई वाह, डबल डबल परेशानी, क्या बात है। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, देखते हैं भाई। हेलो भाई, बड़ी मुश्किल से आ तो गया इस सड़क पे, ठीक है। और अब पता नहीं कितना और रास्ता रह गया, ये रह गया भाई अपना, सुबह से 600 मीटर दिखा रहा है। 300 मीटर रह गया भाई, पहुंच गए हम तो। पहुंच गए भाई मंदिर के पास में, और यहाँ से सीढ़ियों से अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अपना सीढ़ियों से ऊपर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है भाई अपना हनुमान चालीसा, और बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा भाई। लो भाई दर्शन कर लो हनुमान जी के। जय बाबा बजरंगबली की जय। चलो ऊपर चलते हैं भाई, और ड्रोन शॉट भी लेते हैं यहाँ से। एक बार मंदिर में जाके भाई दर्शन करके आते हैं। ये है जाकू टेंपल, और पीछे हनुमान जी की मूर्ति। तो एक बार अंदर जाके दर्शन करके फिर आते हैं। एक बार भाई मैं अपने माता पिता के साथ आया था यहाँ पर। भाई यहाँ ना ड्रोन नहीं उड़ा सकते यार, क्या करें। कितना प्यारा सीन आया हुआ है देखना यार। जाकू टेम्पल पर भाई ये ऑटोमेटिक स्टेयर्स भी लगी, और आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इनसे इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से भी आ सकते हो। तो और ये बिल्कुल फ्री है, फ्री। पुलिस वाले ने तो बोल दिया था ड्रोन उड़ाने के लिए, लेकिन जो जाकू टेम्पल ट्रस्ट वाले ऑफिस है उन्होंने नहीं उड़ाने दिया भाई अपने को ड्रोन, उन्होंने मना कर दिया। तो एक बार तो मैंने कर दिया था फ्लाई, लेकिन वो बंदा एक चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लग गया। तो बोला कि पहले ऑफिस में पूछ के आओ, तो ऑफिस में पूछ के आया तो वो मना कर गया। तो भाई कोई बात नहीं, ड्रोन शॉट नहीं आ पाए तो क्या हुआ, बाबा बजरंगबली के दर्शन तो हुए। और अभी निकल लिए भाई हम वापस अपनी गाड़ी की साइड, और गाड़ी अपने से करीबन करीबन 1 किलोमीटर खड़ी थी। तो जा रहे हैं ट्रैक करके अपना, लेकिन ट्रैक अब आसान है, अब चढ़ाई नहीं है, अब सिर्फ ढलान है, नीचे उतरना है अपने को। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि स्पीति और पूरा इंडिया घुमाना आप लोगों को।